मैं प्रशांत सर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। आज हम लोग देखेंगे, उस दिन देखे थे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हम लोग करना सीखे थे, आज हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। क्या देखेंगे? डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू क्या बाइनरी देखेंगे? डेसिमल टू बाइनरी होता क्या है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करें? ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास नंबर है 46, इतना 46 डेसिमल नंबर टू क्या बाइनरी, इतना बाइनरी नंबर। तो हम लोग डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 46 और यहाँ पे हम लोग जो डेसिमल है बाइनरी में कन्वर्ट करना। बाइनरी का बेस होता है कितना, 2। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। अब बाइनरी का बेस जो होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, बाइनरी डिजिट निकल जाएगा। कैसे? तो बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 जा कितना 4, और आया कितना फिर 2 3 जा कितना 6, मतलब 23 2 जा 46, दैट मीन रिमाइंडर विल बी कितना, रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर विल बी 0, 2 1 जा क्या 2, एंड ये 3 है तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर विल बी कितना 1। फिर आएगा 2 10 जा कितना 20, 2 5 10, रिमाइंडर कितना 1, 2 2 जा कितना 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा कितना 2, रिमाइंडर विल बी 0। दिस इज द बाइनरी डिजिट ऑफ किसका, इस डेसिमल का। तो हम लिखेंगे 46 इतना डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू ये बॉटम टू क्या लिखा जाता है, बॉटम टू अप लिखा जाता है, दैट मीन्स 1 0 1 1 0 1 1 0 इतना बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। समझ में? अगर इसको जांच करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कितना वैल्यू है कि नहीं, तो वही वाला काम कर दीजिए, 1 का डबल 2 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल कितना 32 के नीचे में 1 है तो उसको काउंट कर लेंगे 32, फिर 8 के नीचे में 8 को काउंट कर लेंगे, 4 के नीचे में 1 है 4 काउंट कर लेंगे, 2 के नीचे में 2 को काउंट कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे 8 2 10, 4 14 14 2 16 का 6 कैरी 1 1 और 3 4 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना आ गया 46 आ गया। तो हम लोग डेसिमल इतना लिख दिए। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक को, ठीक है।